नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आरएसएस की ओर से गांव में शाखाएं खोलने से पंजाब में फिर पैदा होंगे खतरनाक हालात, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। रिट्रीट के बाद वाघा सरहद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद बीएसएफ ने जारी किया हाई अलर्ट। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 759 श्रद्धालुओं को रवाना करेगी एसजीपीसी। हॉस्टल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के डेलीगेट्स पहुंचे अमृतसर, सचखंड श्री हरिमंदर साहब में हुए नतमस्तक। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजाब के गांव में शाखाएं खोलकर पंजाब के माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये कहना है अमृतसर से कांग्रेसी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। वे आज अमृतसर में अपने कार्यक्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि 8 वर्षों से पंजाब सरकार में भागीदार रही भाजपा अब किस तरह से अकाली दल के साथ मिलकर अपने किए गए घोटालों से चेहरा छुपा रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से काले धन संबंधी कोर्ट को दी गई लिस्ट और 1984 को दंगा पीड़ितों के विषय में भी चर्चा की। इन द कांग्रेस एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न्ड, द एंटायर कांग्रेस पार्टी इज टोटली यूनाइटेड विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड विद राहुल जी, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिविजन। If we have any differences at our level, that's a different matter. That we have taken up with our with the president and our vice president, and it is for them to take a final decision. के जो ये RSS कर रही है ना थे, के ये शाखा उन पिंडा चले जाना चाहती है, then you will have communal disturbances, and that I think is a very dangerous move. इन्हें नू ये शहर्स भी नहीं करने चाहिए to mobilize people on communal lines, because अगर पिंडा विच भी जान और उत्थे जैसे उन्हें अनाउंस कर रहे हैं कि असी शाखा अपनिया पिंडा दे विच लेके जावांगे, देन आई एम अफ्रेड उत्थे डिस्टर्बेंसेस होण दा बहुत चांसेस ने, एंड पंजाब कैन गो बैक टू स्क्वेयर वन, एंड आई डोंट वांट दैट हैपन। कि आरएसएस हुण शाखा करना चाहुंदी है पिंडा दे विच, और उहदे नाल 100% रिएक्शन होवेगा कि कांग्रेस नेता इन दी लोंगोवाल अवार्ड अकॉर्ड विच वॉज साइंड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी एंड संत लौंगोवाल, ओदे विच क्लियरली कहा सी चंडीगढ़ पंजाब का है। वेल द विजन फॉर अमृतसर इज वेरी क्लियर। अमृतसर इज लैकिंग इंडस्ट्री, इट्स लैकिंग जॉब्स बिकॉज इंडस्ट्री इज नॉट हेयर। अज इंडस्ट्री थोड़ी इतों सारी चल के बाहर जा रही है। वी रेज दिस पॉइंट सो मेनी टाइम ड्यूरिंग द कैंपेन। आई डोंट नो हु इज एक्सप्लॉइटिंग, बट आई कैन टेल यू दिस मच, इट डज नॉट टेक 30 years टू गिव जस्टिस। It does not take 30 years to say who are the, for the courts to say who are the people who are guilty and penalize them. नहीं तो अगर 30 साल में तुझे कोई जस्टिस ही ना हो तो फिर की लोगों ने मन की व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ द जुडिशियल। भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शाम को होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखने के बाद पाकिस्तान वाघा सीमा पर हुए फिदायिन हमले के बाद पाकिस्तान में बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस की ओर से भी रेड अलर्ट जारी कर चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा प्रबंधों के मजबूत होने और रिट्रीट सेरेमनी के 3 दिन तक बंद होने से जहां पहुंचने वाले सैलानियों में भी काफी निराशा पाई जा रही है। बहुत कष्ट है देख के और सुन के, और सबसे बड़ा कष्ट है जिस उत्साह से हम यहाँ आए थे और ये सोचा था कि हम वहाँ जाके देखेंगे, बॉर्डर को देखेंगे, वो चाहे किधर भी हो, चाहे उधर हो या इधर हो। दुख की बात है कि बच्चों को हम कुछ और दिखाने आए थे और यहाँ इस ना होने, ऐसा होने के कारण हमको वापस जाना पड़ेगा। हम इसी संदेश के लेकर ही बच्चों को लेके आए थे, जो कि प्रेजेंट जनरेशन है, आगे जाके फ्यूचर जनरेशन बनेगी, कि हम क्यों ना इन सबको दूर छोड़ के आगे बढ़ें और हाथ दोस्ती का बढ़ा के और अच्छा पीसफुल एटमोसफियर क्यों ना हम बनाएं, रेदर देन कि ये सब हो और हम वापस जाएं, निराशा हो, जो निराशा हमें हुई वो आगे ना हो। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਟਾਇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਜੋ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਦੂਰੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ।
रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से पत्रकार पर किए गए हमले की पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने जहां सख्त शब्दों में निंदा की है, वहीं गुरदासपुर के गांजोड़ा में चल रहे धार्मिक समागम में हिस्सा लेने पहुंचे पंजाब के उप मुख्यमंत्री जे ऐलान भी किया है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव के बाद अब अकाली दल पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मैदानों में भी उतरेगी। वहीं उनका कहना था कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे पुरानी पार्टी है। कोई बिटनेस नहीं, आप मीडिया दी सुपने हैं। तुसी कल पढ़े होना है अरुण जेटली ने दिल्ली में बयान देते कि आ मीडिया दी इमेजिनेशन है, क्योंकि मीडिया कोई इशू ज्यादा है नहीं, इस करके कर रहे हैं। कोई बिटनेस नहीं, कोई नथिंग नहीं, साडा हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो फ्रस्ट्रेट हो पे बेचारे, उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने होया की है। उन्होंने दस मीडिया नाल ए सलूक करना नहीं चाहिए, स्ट्रोंगली कंडेम इट। असी वही गल की थी, हूँ असी होम मिनिस्टर साहब ने सू बुलाया भी है, क्योंकि इलेक्शन कोर्ट लग गया, दिल्ली भी लग गया, सारी जगह नो अनाउंसमेंट हो सकती है, पर वी आर वर्किंग ऑन दैट। उत्थे प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही थी, तो उस करके वो लेट हो गए, तो सीधे उसके बाद मीटिंग सीधे पहुंचे। आज अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गुरु नानक भवन में CMS वातावरण की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को पौधे लगाने और साम संभाल के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य मेहमान श्री कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी, मेयर बख्शीराम अरोड़ा और चंडीगढ़ से आए हुए एडिशनल डायरेक्टर वातावरण डॉक्टर सतनाम सिंह लद्दड़ भी वहां मौजूद थे। खत्म ही हो गया, पता ही नहीं लगा कि शुरू तो जो पढ़ा शुरू करते हैं टीचर जो रिसर्च होती है एक जंगल जो है वातावरण ठीक करने के लिए कंट्रोल च रखने सब तो वे सहायक है। बाकी जो चीजा इन्होंने किस तरह अन्ने वाह कटाई गई, उन्होंने पहाड़ों को पदरे करके उसे कंक्रीट के पहाड़ बनाते, इंसान की सुविधा वास्ते, अपनी सुविधा वास्ते इंसान ने किस तरह इन्हों का यूज किया, एक तिहाई घट्ट तो घट है। एक्सपेरिमेंट करके गैसिस क्रिएट की जाती है, नए नए तरह के बंब बनते ने, नई नई तरह दीजा बनती है जिद कि वातावरण खराब होता है, और लगातार असी अपने देश ही देखिए तो असी वृक्ष कटते आए लेकिन लगान वाले पासे साडा कोई ध्यान नहीं गया। उस दे नाल जिहड़ा जम्मू कश्मीर सी जिथे कि बहुत ज़्यादा जंगल सी वो खत्म होया, फिर हिमाचल खत्म होया, फिर आसाम खत्म होया, फिर बाहरले मुल्कों के बीच अमेरिका और अलग अलग देशों के बीचों फिर उत्तर जी आनी शुरू हुई, लेकिन जंगल कटीते गए आबादियां बनाने वास्ते सड़क बनाने वास्ते, लेकिन जिनी स्पीड के नाल लगने चाहिए थे जेडे कि वो वृक्ष सानू आप जहर पी के सानू स्वच्छ हवा स्वच्छ गैस जी ऑक्सीजन देते हैं। 6 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए SGPC की ओर से 759 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। SGPC की ओर से 1027 श्रद्धालुओं के वीजे भेजे गए थे, जिनमें 270 श्रद्धालुओं के वीजे रद्द कर दिए गए और जिससे श्रद्धालुओं में निराशा पाई जा रही है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े ते सदीवी परंपरा अनुसार ननकाणा साहब की पवित्र धरती नतमस्तक होने लई श्रद्धालुओं का एक जथा, उन्हां दा ये प्रकाश दिहाड़ा मनाउण लई जिहड़ा कि 6 तरीक नूं है जा रहा, इहदे लई असीं 1028 श्रद्धालुओं के वीजे अप्लाई किए सन। केंद्र सरकार दियां एजेंसियां वल्लों
रिपोर्टां ना होण कारण करीबन 270 दे करीब जिहड़े न्यां कट्टे गए ने ओह वीज़े नहीं मिले ते 759 वीज़े जिहड़े मिले ने। ये 759 श्रद्धालु अपने पासपोर्ट अपने कोल एकत्र करके दफ्तर तों कल ननकाणा साहब की धरती लई रवाना होणगे अते कल साहिब श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश कराए जाणगे ते 6 तरीक नूं भोग पाए जाणगे ते देशां विदेशां तों होर संगतां भी जिहड़ियां ने ननकाणा साहिब पुज रहियां ने। मैं सारियां नूं इस दिहाड़े ते ननकाणा साहिब दे पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण जा रहियां संगतां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਪੈਦਲ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ SGPC ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨ ਮਿੰਟ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸਰੋਪਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਿੰਨ ਭੇਟ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਪਾਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ अमेरिका की हॉस्टल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के डायरेक्टर हरमैन ए बर्लिनर और डॉक्टर पैट्रिक जे सौसी आज सचखंड श्री हरिमंदर साहब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर माइनर कमिश्नर के सबका चेयरमैन तरलोचन सिंह, प्रवासी भारतीय तजिंदर सिंह बिंद्रा भी उनके साथ थे और इस मौके पर श्रोमणी कमेटी के सकत्तर दिलमेख सिंह ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और अमेरिका से आई इस ग्रुप ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब में माथा टेका और परिक्रमा करते हुए सिख इतिहास के बारे में जानकारी ली। हाँ, अमरीका की राजधानी न्यूयॉर्क विच हॉफ्स्ट्रा यूनिवर्सिटी है, बहुत वड्डी जिहड़ी अमरीकन की 4-5 वड्डियां यूनिवर्सिटियों एक है। इस यूनिवर्सिटी की विशेषता यह है कि इस यूनिवर्सिटी में 2 सिख चेयर्स हैं, एक सिख फिलासफी की, एक सिख संगीत की। तो यह बहुत वड्डी गल है कि उस यूनिवर्सिटी तो अज आए हैं और इस यूनिवर्सिटी का एक होर बहुत वड्डी सिखा नूं देण है कि ये हर साल इंटरनेशनल अवार्ड देंदे ने गुरु नानक साहब के नाम का, $1,00,000 मिलता जिहड़ा अवार्ड मिलता और बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं। कहिंदे ने गुरु नानक साहब प्रॉफिट सीगे इंटरफेथ के, तो जिहड़ा भी इंटरफेथ दुनिया च काम कर रहा है वह यूनिवर्सिटी का बहुत वड्डा एक बनाया है। इन्हां दे जिहड़ा पहला इंद्र कुमार गुजरात साहब, खुशवंत सिंह ते मैं, असीं तिन्नों इहो जिहड़े सिलैक्शन कमेटी है उहदे हिस्सा। सो ये हर साल ये चुनिया जाता, इस वारी का अवार्ड इन्होंने दिता भाई महेंद्र सिंह जो बर्मिंघम वाले। Hofstra, it is a tremendous honor for me to be here in this very holy place. It's just absolutely amazing and I feel the spirituality all around. Hofstra is a university with a strong commitment to interfaith understanding. We're the home of a Sikh studies chair. We also have a Catholic studies chair. We have a Jewish studies chair. We have a chair in Sikh musicology. We give out the Guru Nanak Award for interfaith understanding every 2 years. The university has the strongest commitment to interfaith understanding and considers it to be an absolute priority. We are a national university in the United States. We have all the schools you expect an outstanding university to have. श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से श्याम खाटू वालों का 13वां भजन संध्या महोत्सव पर मारवाड़ी पंचायती बड़ा मंदिर में श्री श्याम बाबा जी को स्वामन का भोग लगाया गया। इस दौरान
रमेश मित्तल और सुभाष मित्तल की अगुवाई में भोग लगाए गए और भजन कीर्तन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मेयर बख्शीराम अरोड़ा और पार्षद जरनैल सिंह टौंड समेत कई गणमान्य लोगों ने यहां माथा टेका। आज अमृतसर में एकता ऑटो यूनियन के प्रधान काका और राकेश मल्होत्रा अपने अन्य सदस्यों के साथ अपनी मांगों को लेकर SC ST अध्यक्ष के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका को उनके निवास स्थान पर ज्ञापन पत्र देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर वेरका की गैर मौजूदगी में वहां मौजूद बब्बी पहलवान और बॉबी ने उनका ज्ञापन पत्र लेकर उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मुश्किलों को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। ये टैंपू वाले अपने बच्चों रोटी कमा खवा रहे हैं, ये दूजे दिन छडाक लाते हैं, तीजे दिन फिर फड़ लेंगे, 4,000 रुपया देंगे, वह कमाते वह पुलिस को दे देंगे। दसो भी बच्चों रोटी खवाएंगे या पुलिस पर ढिड भरने के इन्होंने। असं इस वजह डॉक्टर साहब राजकुमार जी को आए हैं, इन्होंने मंगा सुनो जरा इन्हों दिन परिवार रोटी खान तो चैन ना जी सक। असं मांग कर रहे सरकार ने टैंपू चलते चलन देना। हम देखो तरन तरन दसा भी अपने अमृतसर चलन दियाँ वा, इन्हें टैंपू क्यों चलन दे, बसा चलन दियाँ वा, ये रोटी कमा दे रहे बच्चों, इन्हें रोटी भी खून दे ना। सारी डॉक्टर साहब यो मंग आज वाले बच्चे पाल लें टैंपू चला बोन करते भाई तन तन नंबर 46 नंबर आ, तो 46 नंबर आप नहीं चलन देने अमृतसर से, ये गड्डी छडा के लाने 4,000 रुपया दे के आते हैं, दूजे दिन फिर बोन कर देंगे, कि कोई 3,000 रुपया कि कोई 4,000 रुपया छडा के लाने, एक तो उन्होंने किस्तें देते हैं, एक जिन्हें टैंपू लिया किस्त वाले उन्होंने किस्तें देते हैं। असं यो मंग करते हैं भी इन्हें टैंपू जो खुले आम चलन, अपने बच्चे रोटी कमा खवा। बब्बी भाजी को यही मांग करते हैं मंगे बी भगवान जी पूरी करे सुन गए। अज इन्होंने जो मंग पत्र दिता क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं है उन्होंने थान देने, मैं इन्होंने को मंग पत्र लिया तो इन्होंने आश्वासन दिता कि जिस तरह इन्हें पहला 3 व्हीलर चलते ही उदा ही दोबारा चलन गए। मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट कराँगा कि वो कमिश्नर साहब को कहन DTO को कहन ता कि जो बेरुजगार चल रहे हैं क्योंकि अगे बहुत हालात माड़े ने, महंगाई बड़ी आ, ये गरीब बंदे अपना 3 व्हीलर चल के अपना परिवार पाल रहे हैं, अगर इन्हों के 3 व्हीलर बंद हो गए तो ये व्यापार काम कार खत्म हो गया तो अपने बच्चों रोटी कितों खाएंगे। इन्हों की जी दसा नौ की कमाई आ, ये अपने कर्जा लैके 3 व्हीलर ले ने, उन्होंने किस्तां दे रहे हैं, अगर ये 3 व्हीलर नहीं चलन गए जहाँ तो इन्होंने नंबर अलाट करने इतों के। मैं डॉक्टर साहब को यो मंग करनी कि इन्होंने नंबर जोड़े आ वह अमृतसर के अलाट कराए जाए ता कि इन्होंने बार बार पछाणी ना झेलनी पवे। पहला भी पुलिस ने आश्वासन दिता ही कमिश्नर साहब ने डॉक्टर साहब से कहते कि इन्होंने तंग नहीं किया जाएगा कि 3 व्हीलर बाउंड नहीं होएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर इन्हों तंग किया जा रहा, ये बेचारे नौजवान है बेरुजगार ने, इन्हों का जरा मेहनत पता वो ना छीनिया जाए तो इन्हों अपना काम कर दिया जाए। पाकिस्तान वाघा सीमा में रविवार की देर शाम को हुए फिदायीन हमले का पाकिस्तान स्थित गुरु धामों के दर्शन करने और श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 48 सड़क सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना हुए कनाडा के सिख श्रद्धालुओं में कोई भी भय खौफ दिखाई नहीं दिया। उनका कहना है कि वे वाहेगुरु जी का आसरा लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें आतंकवादियों का कोई भी डर नहीं है। कनाडा तो आए हैं, फिर आदे पिंड आए चक वक्त, फिर अज इतने आके बार्डर ते, फिर ननकाना साहब दे दर्शन करन बाबा जी दे जन्म दिन दिहाड़े सच्चे पातशाह दी मेहर रहे, पर पता नहीं सच्चे पातशाह बाबा जी दा हाथ है सिर ते। ये बहुत माड़ी घटना है जिहड़ी मतलब वापरी हैगी आ कि जिहड़े लोग खड़दे ने उहनां दा धर्म मान कोई नहीं हुंदा हैगा, आम जनता जिहड़ी जानती आ उह आई आ प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल बॉर्डर दा देखण वास्ते, ओपनिंग जां क्लोजिंग देखण वास्ते आउंदा, जिहड़े उह घर नहीं भरते उन्हां वास्ते तां बड़ा माड़ा कम है ना। ये लोग जिहड़े कर रहे ने असीं कंडम करदे आ इस चीज़ नूं कि बहुत माड़ा होया, जो भी होया या देश पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, किसी पासे भी इहो जिही घटना नहीं होनी चाहीदी जिहड़े कि मावां दे बच्चे चले गए
उन्होंने रोना पै जाए सारी उम्र वास्ते। जिहड़ी आम आवाम आ उत्थे दी उह बड़ा प्यार करदी आ। इह हर एक आदमी कोई माड़ा नहीं हुंदा, हर एक आदमी चंगा नहीं, हिंदुस्तान दे विच हर एक आदमी माड़ा नहीं है, दोहां पासिआं ते है। आज अमृतसर में कलौजिया महासभा पंजाब की ओर से श्रोमणी बख्श नामदेव जी का जन्म दिवस कटरा मिसिंग बाजार पेठेवाला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जी। उत्सव कनौजिया महासभा शहरी के प्रधान शिव कनौजिया की ओर से करवाया गया। इस मौके पर पवन कनौजिया, सुरेश कनौजिया और नीटा पहलवान भी वहां मौजूद थे। शहर में विभिन्न लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर जलियांवाला बाग के पास रहने वाला विक्रांत गौरव चौहान और उसका परिवार रफू चक्कर हो गया है। इस संबंध में विक्रांत की ठगी का शिकार हुए लोगों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि विक्रांत और उनकी पत्नी पहले जान पहचान बढ़ाकर भरोसा जीते थे और फिर पैसे उधार ले जाते थे। मैं जी मनिंदर सिंह हाँ जी, मेरा गांव का नाम मनिंदर जिला गुरबियार है। मैं गौरव चौहान उफ विक्रांत चौहान और फादर उदर्श चौहान दुकान से आए, मेरे को 30 लाख समान लै गए। उस तो बाद मैंने 2 चेक दिए 15 लाख रुपए के, चेक इन्होंने फेल हो गए है, इन्होंने उपर एफ आई आर दर्ज हो गई है। सारी मांग सारे पैसे दवाए जाए, मुजरों को फड़े जाए, सारे पैसे दवाए जाए। मोजन उतों होटल छड़ के चल गए जी। मेरा नाम राजीव तलवार है, मैं दिल्ली तो हैगा अमृतसर। मैं 2011 च आया तो इतने इन्होंने मेरे नाल 2008 तो ही मेरे नाल इन्होंने संपर्क किया। फेसबुक तो मेरे घर आज जाते प्यार बनाया, प्यार मुहब्बत बना के इन्होंने साजिश खेली कि तेनों नौकरी च की पैसे मिलते हैं, तेरे को प्रॉपर्टी हैगी, तू अपना प्रॉपर्टी वेच के तेनों आप काम सैट करा के देंगे। वधिया साडा डायमंड का काम है, साडा होटल हैगा अमृतसर नोवल टेन, आप वधिया फैमिली हैगे हाँ, तो तू काम कर तेनों वधिया इनकम करके सैट करके देवे। पैसे इन्होंने लै लू के ना इन्होंने मैंने कोई काम का भेज दिता, ना इन्होंने कोई रकम दिती। फिर मैं इन्होंने कहा कि मैं मेरा पैसा वापस करो। 80 लाख रुपए का इन्होंने मेरे ना गवर्न करता, मेरी 2 प्रॉपर्टियाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी विकवा के, तो इन्होंने फिर उस तो बाद गल टोल मटोल करते रहे, तेरे पैसा दे देंगे, होटल की प्रॉपर्टी के पेपर दिते तू विकवा दे, गलों इंज करते रहे। ना इन्होंने मैंने रिटर्न दिता, मैं इन्होंने को रिटर्न की गुजारिश की, कहते रिटर्न चली नहीं इतना ही देना आप। फिर इन्होंने मैंने धमकी दी थी जो कर लेना, साढ़े तीनों मामे एक चंडीगढ़ अमृतसर तो दिल्ली लॉयर है, वकील है, कन्वर जी जो है मेरा केस है, वो इन्होंने मामे है, तीनों कहते आप कोई लॉ तो डरते नहीं है, पैसे के मामले कुछ नहीं हो सकता। मेरी मांग है मैनू न्याय मिले, मैनू मेरी रकम मिले, पूरा पैसा वापस आए मेरा, ताकि मैं अपनी जीवन में फिर सुधार पावा। इन्होंने मैनू रोजी रोटी तो भी मुहताज किया है, आज की डेट से मैं 7-8 हज़ार की नौकरी तो जी रहा हूँ, मेरे सब कुछ इन्होंने खराब किया। मैं रिपोर्ट की है, पुलिस ने आज तक इन्होंने फड़िया नहीं। मैं चाहता मेरे केस इन्हों चलान पेश होए इन्हों का, ताकि यह फड़े जल्दी तो जल्दी, इन्होंने फड़ के अपनी मैनू इंसाफ मिले। जे मैनू इंसाफ ना मिले तो मैं मतलब अपना बहुत ही जिंदगी च मतलब कुछ खराब कर चुके, मतलब टेंशन च है हाले, तो अगे मेरे मतलब मैं फिर भी लड़ता रहांगा अपने मरदे दम तक, तो बिल्कुल लड़ांगा। बाबा श्रोमणी नामदेव जी के प्रकाश पर्व पर आज एक अलौकिक और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरी और लोगों ने रास्ते में विशाल शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में कांग्रेस के नेता विकास सोनी भी मौजूद थे। आज का जड़ा दिहाड़ा भगवान नामदेव जी दा हर साल की तरह बड़ी शरा नाल साडे भरा विक्रम पलवान जी जो इस प्रधान भी ने सोसायटी के वो बड़ी श्रद्धा न मना रहे ने। सो साडी इन्हां दी ड्यूटी आई सी अज इत्थे आके कि मत चरना जी असीं मत्था भी टेकिया। सो जिथे भी साडी ड्यूटी लाउणगे अज इन्हां ने बड़ी शो वधिया शोभा यात्रा जो सारे शहर च अमृतसर च घूम के जानी, लोकी उन्हां दा स्वागत भी करदे ने। सो मैं सारे शहर वासियां नूं अज दे शुभ दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारकबाद देना। आदरणीय सत्कारयोग मेरे वीर विकास जी साडे कोल आए आ, असीं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदे आ। अज साडे भगत नामदेव जी साडे गुरु 744वां अज जिहड़ा कि जन्म दिहाड़ा वा, और करीबन 27-28 साल तो इस कौम दे विच जन्म लैके, तो उस मालिक दे हुक्म दे नाल
एक ड्यूटी लग गई सी कि इस काम नू लेके चलना और 27-28 साल तो मैं शोभा यात्रा कढ़दा आ रहा। अज घर घर दे विच दा स्टेज भी लगती है और हर घर दे विच ना पहुंच गया, मैनू इस चीज की सब तो वध खुशी आ और सारे नू मैं अपने नाल लैके चलदा वा और मैं इहो ही कहांगा कि अस सब इकट्ठे होके चलीए ते वध तो वध भगत नाम दे महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाइए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की बेटी उर्वशी रविवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गई है। उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनके एक पांव में फ्रैक्चर हो गया है और चेहरे पर 3 टांके लगे हुए हैं। बेटी की चोट के चलते राज ठाकरे ने कल्याण और डोंबिवली इलाके का दौरा टाल दिया है। चीन की सेना ने जम्मू कश्मीर में फिर से अतिक्रमण की हिमायत की है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के पेंगोंग झील के भारतीय हिस्से में चीन के सैनिकों के जवान 5 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं और सड़क रास्ते के जरिए भी चीनी सेना ने इस इलाके में घुसपैठ की। खुलासा हुआ है कि चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर पेंगोंग झील में किश्तियां उतार दी है। हालांकि आईटीबीपी के चौकस जवानों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें लौटने को मजबूर कर दिया है। सोने और चांदी में गिरावट का क्रम जारी है। आज सोमवार को यह दोनों बहुमूल्य धातु 4 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका डॉलर के मजबूत होने और बिकवाली के बवाल में इनकी कीमतें गिर गई हैं। एनजेड के विश्लेषक विक्टर थियानप्रिया ने कहा है कि सोने पर पैसे लगाने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए इसकी कीमतें गिरती जा रही है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरएसएस की ओर से गांव में शाखाएं खोलने से पंजाब में फिर पैदा होंगे खतरनाक हालात, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। रिट्रीट के बाद वाघा सरहद पर हुए आत्मघाती हमले के बाद बीएसएफ ने जारी किया हाई अलर्ट। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 759 श्रद्धालुओं को रवाना करेगी एसजीपीसी। हॉस्टल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के डेलीगेट्स पहुंचे अमृतसर, सचखंड श्री हरिमंदर साहब में हुए नतमस्तक। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।